वेलकम टू एपिसोड नंबर 3 ऑफ ब्लाउज मेकिंग सीरीज। पिछले वीडियो में हमने सारे ब्लाउज के टाइप्स देखे थे और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हमारा पहला टाइप, यानी कि वन टक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है। तो यह है हमारे वन टक्स ब्लाउज का फ्लैट पैटर्न, यह है फ्रंट पार्ट और यह है बैक पार्ट। ब्लाउज पूरा तैयार होने के बाद ये कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इस ब्लाउज के लिए खुद के बॉडी मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं, दूसरा इस ब्लाउज की पेपर कटिंग कैसे करनी है, तीसरा इस ब्लाउज की फैब्रिक कटिंग कैसे करनी है, और चौथा इस ये जो पूरा ब्लाउज है वो स्टिच कैसे करना है। तो चलो शुरू करते हैं। इस ब्लाउज के लिए आपको टोटल 11 मेजरमेंट की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आपको लेनी है आपके ब्लाउज की फुल हाइट। तो फुल हाइट लेने के लिए आपका जो ये शोल्डर है उसके बराबर बीच में ऐसे मेजरिंग टेप रखना है, और ये आपकी जो बस्ट है यानी कि चेस्ट है वो पूरी कवर करनी है। आपको देखनी है आपकी जो चेस्ट है वो पूरी कहाँ तक कवर होती है। तो मेरी होती है 12.5 इंच पर, ये देखो ऐसे। तो मैंने मेरे ब्लाउज की हाइट ली है 12.5 इंच। उसके बाद आपको मेजर करना है आपका शोल्डर। इस शोल्डर स्लोप तक आपको मेजरिंग टेप रखना है। उसके बाद ये जो उंगली है आपकी, ये आपका जो आर्म होल है वहाँ से ऐसे ऊपर लेके जानी है, और जहाँ पर आपकी ये दो उंगलियाँ आती है वहाँ तक आपको आपका शोल्डर मेजर करना है। ये देखो यहाँ से 1, यहाँ से कितना आता है 14 इंच। तो मेरा पूरा शोल्डर कितना आता है 14 इंच। उसके बाद आपको मेजर करना है आपका चेस्ट राउंड। तो चेस्ट राउंड मेजर करने के लिए जो मेजरिंग टेप है वो पूरा ऐसे चेस्ट की ऊपर से घुमा कर लेना है, ज़्यादा लूज भी नहीं पकड़ना और ज़्यादा टाइट भी। ये देखो मेरा चेस्ट राउंड कितना आता है 31 इंचेस। उसके बाद आपको मेजर करना है आपका वेस्ट राउंड। ये बहुत ज़रूरी मेजरमेंट है, क्योंकि अगर ये लूज़ हो गया तो आपका जो ब्लाउज है ऐसे ऊपर जाएगा। यह मेजरमेंट थोड़ा टाइट में लेना होता है, ये देखो कितना टाइट ऐसे 24 इंच। तो मेरा वेस्ट राउंड कितना आता है 24 इंच। उसके बाद आपको मेजर करनी है आपकी स्लीव लेंथ। आपको जितनी चाहिए उतनी आप ले सकते हो, मैं यहाँ रख रही हूँ 4 इंच पर। तो जहाँ पर आपकी स्लीव लेंथ आती है वहीं पर ही आपको आपका स्लीव राउंड मेजर करना है ऐसे। तो मेरा स्लीव राउंड आता है 11 इंच पर। अब आपको मेजर करना है आपका आर्म होल। कितना आता है मेरा आर्म होल 14.5 इंच। उसके बाद हमें मेजर करना है हमारा बस्ट पॉइंट। तो बस्ट पॉइंट कैसे मेजर करते हैं, आपका ये जो शोल्डर है वहाँ से आपका ये जो बस्ट पॉइंट है यहाँ तक। तो मेरा यहाँ बस्ट पॉइंट आता है 10 इंच पर। अब आपको मेजर करना है डिस्टेंस बिटवीन टू बस्ट पॉइंट ऐसे, इस बस्ट पॉइंट से इस बस्ट पॉइंट तक। तो मेरा कितना आता है 7 इंचेस। अब उसके बाद आपको मेजर करना है आपका फ्रंट नेक और बैक नेक। तो फ्रंट नेक तो मैं यहाँ ले रही हूँ 7 इंच पर, और बैक नेक के लिए आप आपके दोस्त की मदद ले सकते हो। आई होप मैंने जो सारे मेजरमेंट्स लिए वो आपको समझ आए होंगे। अब हम शुरू करेंगे इस ब्लाउज़ की पेपर कटिंग। मेरे ब्लाउज़ के मेजरमेंट्स मैंने यहाँ लिख कर ले लिए है, इसके हिसाब से ही हम पेपर कटिंग करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले लेनी है आपको ब्लाउज़ की पूरी हाइट। तो यहाँ मेरी ब्लाउज़ की पूरी हाइट आती है 12.5 इंच। उसमें आपको सिर्फ 1 इंच ऐड करना है शोल्डर का मार्जिन और नीचे का जो हम फिनिशिंग करते हैं उसका मार्जिन। तो मेरी यहाँ हाइट आ रही है 13.5 इंच। तो यहाँ मैं 13.5 इंच पर मार्क करके ले रही हूँ। अभी आपको मार्क करनी है आपकी आर्म होल की डेप्थ। मेरा जो आर्म होल है वो आता है 14.5 इंच पर, इसलिए मैं यहाँ 5.25 इंच पर अपनी जो आर्म होल की डेप्थ है वो मार्क करके ले रही हूँ। अगर आपका आर्म होल 13-14 या 14.5 इंच आता है तो आपको आपकी आर्म होल की जो डेप्थ है वो लेनी है 5.25 इंच पर, जो मैंने ली है। अगर आपकी आर्म होल 15 या 15.5 इंच आ रहा हो तो आपको 5.25 इंच आपकी आर्म होल की जो डेप्थ लेनी है वो लेनी है। अगर आपका आर्म होल 16-17 और 18 आता हो तो आपको 6 इंच पर आपकी आर्म होल की डेप्थ लेनी है,
अगर आपका आर्म होल 19 या 20 आ रहा हो तो आपको 6.25 इंच पर आपकी आर्म होल की डेप्थ मार्क करके लेनी है। अगर आपका जो आर्म होल है वो उससे भी ज़्यादा यानी 20 से ज़्यादा आ रहा हो तो आपको 6.25 इंच पर ही आपकी आर्म होल की डेप्थ मार्क करके लेनी है, उससे ज़्यादा आपको आपकी आर्म होल की डेप्थ मार्क नहीं करनी। तो ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए, अब ये हम स्केल से जोड़ लेंगे। ये है हमारी शोल्डर लाइन और ये है हमारी चेस्ट लाइन। तो ये हो गया हमारे दोनों लाइन। अभी हमें मार्क करनी है अपनी चेस्ट लाइन। तो मेरी जो चेस्ट है वो कितनी है, 31 इंच, तो उसका हमें चौथा भाग निकाल लेना है। वो कितना आता है, 7.25 इंच। तो यहाँ मैं बराबर से 7.25 इंच पर मार्क कर रही हूँ। आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आपकी जो चेस्ट राउंड है यानी चेस्ट है वो आती है 32 इंच, तो आपको उसका चौथा भाग लेना है 8 इंच और सीधा आपको इधर मार्क कर लेना है। अभी हम मार्क करेंगे हमारी वेस्ट लाइन। तो मेरी वेस्ट राउंड जो है वो है 24, तो 24 का चौथा कितना हुआ, 6 इंच। तो यहाँ मैं मार्क कर रही हूँ मेरी वेस्ट लाइन 6 इंच पर। अभी आपको जो वेस्ट लाइन है यानी कमर है वहाँ पर आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, जो पीछे के ब्लाउज के डार्ट होते हैं ना उसके लिए आपको अभी ये लाइनें जोड़नी है। उसके बाद आपको मार्क करके लेना है आपके ब्लाउज का शोल्डर। तो यहाँ मेरा ब्लाउज का, यहाँ मेरा मेजरमेंट कितना आता है शोल्डर का, 14 इंच। 14 यानी कितना हो गया, 14 का हाफ, 7 इंच। अब हमारी जो पीछे का गला है वो कितना है, 9 इंच यानी डीप है। उसके लिए हमें शोल्डर में से कुछ माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो गला है वो गिरे ना। इसके लिए यहाँ पर चार्ट है, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपका गला हो, पीछे का गला 8, 8.5, 9, 9.5, 10 हो, तो आपको 2.5 इंच आपके शोल्डर में से माइनस करना है। अगर आपका गला 6, 6.75, 7, 7.5 हो, तो आपको शोल्डर में से 1.5 इंच माइनस कर लेना है। अगर आपका गला 5 और 5.5 इंच है पीछे का, तो आपको सिर्फ 0.5 इंच माइनस करना है। अगर आपका पीछे का गला 3 इंच या 4 इंच है, तो आपको शोल्डर में से कुछ भी माइनस नहीं करना। अभी मेरा जो शोल्डर है वो कितना है, 7 इंच, या मतलब 14 का जो हाफ होता है वो कितना होता है, 7 इंच। आपको पहले ये जो पूरा शोल्डर है उसका हाफ करके लेना है और फिर इसमें से 2.5 इंच आपको माइनस कर लेना है। तो यह हो गया मेरा 1 इंच माइनस, 2 इंच और ये 2.5 इंच यानी 2.5 इंच, यह आपको मार्क कर लेना है। और ये जो चेस्ट लाइन है वह भी आपको 4.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और स्केल से ये जोड़ लेना है। अभी आपको मार्क करना है अपने आर्म होल। तो आपको यहाँ कैसे मार्क करना है, ये जो पूरा 1 इंच है उसमें से ये 2 लाइन निकाल के लेनी है और आपको ऐसे लाइन खींचनी है। अभी आपको आपकी आर्म होल की जो गोलाई है वो मार्क करके लेनी है। यहाँ मैंने मेरा जो आर्म होल है उसकी मार्किंग करके ले ली है। अभी आपको आपका जो आर्म होल है वो मेजर करके लेना है। 14.5 इंच मेरा आर्म होल है, उससे हाफ आना चाहिए यानी 7.75 इंच। तो यहाँ मैं अपना आर्म होल मेजर करती हूँ, कितना आ रहा है, 7.75 इंच। हमें कितना चाहिए, 7.75 इंच। अगर इतना भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन थोड़ा हम परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपका जो आर्म होल है वो थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो आपको यहाँ एक लाइन, ये इतनी एक लाइन ऊपर जाना है ये, और ऐसे लाइन मार्क करके लेनी है। अब ये लाइन जो है उससे आपको 1 इंच से थोड़ा सा कम मेजर करना है, यहाँ ऐसे, और फिर आपको आपकी जो आर्म होल की गोलाई है वो देकर लेनी है यहाँ से। अब आपको ये नया वाला आर्म होल मिल जाएगा।
अब आपको ये जो आर्म होल है वो मेजर करना है। देखिए बराबर ये 7.5 इंच पर आ रहा है, तो ऐसे आपको जो आपका आर्म होल है वो एडजस्ट करके लेना है। अब मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपका आर्म होल आ रहा है 7.5 इंच और आपको आपका आर्म होल कितना चाहिए 8 इंच, यानी आपका आर्म होल आ रहा हो 16 इंच, तो आपको वो कैसे एडजस्ट करना है। आपको यहाँ से नीचे 2 या 1 लाइन जाना है और फिर वैसे ही आपको एक सीधी लाइन मार्क करके लेनी है और यहाँ से आपको मेजर करना है कितना, ये जो 1 इंच है उससे 2 लाइन कम, और फिर आपको आपका जो आर्म होल है उसकी मार्किंग करनी है और फिर आपको मेजर करना है। फिर आपको आपका जो बराबर से 8 इंच का जो आर्म होल है वो मिल जाएगा ऐसे। तो आर्म होल की कैसे एडजस्टमेंट करनी है वो तो मैंने आपको बता दिया है। अब हम आते हैं अपने गले पर। तो आपको अभी रखनी है आपकी गले की विड्थ, तो यहाँ मैं रख कर ले रही हूँ 2 इंच, क्योंकि मेरा जो ये जो शोल्डर है 4.5 इंच पर है, इसलिए मैंने 2 इंच नेक की विड्थ रख ली है। अगर आपका शोल्डर 4.5 या 5 इंच आ रहा हो तो आपको 2 इंच अपनी विड्थ नेक की विड्थ रखनी है। अगर आपका शोल्डर 5.5-6 इंच आ रहा हो तो आपकी जो नेक विड्थ है वो आपको रखनी है 2.25 इंच पर। अगर आपका शोल्डर 6.5 और 7 इंच पर आ रहा है तो आपको अपनी नेक विड्थ रखनी है 2.5 इंच पर। तो यहाँ मैंने 2 इंच अपनी नेक की विड्थ रख दी है। अगर फिर आपको यहाँ से ऐसे 2 लाइन नीचे आना है और यहाँ से ऐसे तिरछी लाइन लगा कर लेनी है। यह लाइन किस लिए है, क्योंकि आपका जो शोल्डर है वो गिरे ना, इसलिए। अब आपको यहाँ से आपका जो बैक का नेक है उसकी मार्किंग कर लेनी है। मेरा जो बैक का नेक है वो है 9 इंच, यहाँ हमारा 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ 9.5 इंच पर गले की मार्किंग कर रही हूँ। अभी यहाँ से आपकी जो नेक विड्थ है 2 इंच, वही आपको इधर डालनी है। अगर आपको गला थोड़ा सा फैला हुआ चाहिए तो आप ये 2.25 इंच पर भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ 2.25 इंच पर अपने गले की मार्किंग कर रही हूँ। फिर आपको आपका जो गला है उसका शेप देना है ऐसे करके। तो यहाँ मेरा गले का शेप हो गया है। उसके बाद आपको लास्ट मार्किंग करनी है आपकी जो ब्लाउज का मार्जिन है वो। तो मैंने यहाँ 1.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन दिया है। आपको अगर 2 इंच चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो ठीक है, इतना ही रखना। अभी ये तो हो गई हमारी बैक पार्ट की मार्किंग। अभी मैं आपको ये यहाँ एक पॉइंट क्लियर देती हूँ। यहाँ से आपको ऊपर 1/2 इंच जाना है और यहाँ से आपको आपकी कमर का आधा करना है यहाँ तक, और फिर जो हमने 1/2 इंच लिया है उससे यहाँ तक आपको एक तिरछी लाइन लगा कर लेनी है। क्यों मैं बताती हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ डार्ट आने वाला है, जो टक्स होता है ना वो, तो आपको कितना टक्स लेना है वो आपके ऊपर है। अगर ब्लाउज की हाइट ज़्यादा हो तो आप ये 5 या 5.5 इंच तक ले सकते हो। बराबर आपको सीधी लाइन एक डाल के लेनी है। यहाँ मैंने मेरे टक्स की जो हाइट है वो कितनी ली है, 4.5 इंच, ठीक है। तो हमने यहाँ 1 इंच डार्ट के लिए छोड़ा था, उसके हिसाब से हम इधर 1 इंच माइनस कर देंगे ऐसे वाला। अब हमारे जो बैक पार्ट की पेपर कटिंग है वो हो गई है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। अभी हमारा जो आर्म होल है ना वो हमने एडजस्ट करके ये वाला लिया है, इसलिए हम यहाँ से कट करेंगे।
जो गला है वो आपको अभी कटिंग करके नहीं लेना है, वो कब लेना है वो मैं आपको बता दूँगी। तो ये हमारी बैक की कटिंग पूरी हो गई है, अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। उसके लिए हमने जो बैक पार्ट निकाला है वो इस पर रख के लेना है, और ये जो तीन साइड है और नीचे की, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जो कागज़ है वो छोड़ देना है और बैक पार्ट ट्रेस करके लेना है जैसा है वैसा। यहाँ आपको मार्क करके लेना है आपकी जो नेक विड्थ है वो, और ये जो मार्जिन है वो भी। अब आप ये जो बैक का गला है उसकी कटिंग कर सकते हो। अभी आपको इसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं। पहला चेंज तो ये है, जो ये जो आर्म होल है वो फ्रंट साइड का थोड़ा सा अंदर होता है, इसलिए मैं ये 1.25 इंच अंदर ले रही हूँ, और ये जो आर्म होल की मार्किंग है वो कर रही हूँ। आर्म होल की मार्किंग यहाँ मैंने करके ली है। अब हमें देखना है फ्रंट का नेक लाइन। तो यहाँ मेरा फ्रंट का नेक लाइन कितना है, 7 इंच। यहाँ आपको कुछ भी आधा इंच बढ़ा के नहीं लेना है, 7 इंच के लिए। 7 इंच अगर आपका फ्रंट का नेक लाइन है तो आपको 7 इंच पर ही लेना है। यहाँ मैं 2.25 इंच पर अपनी नेक विड्थ रख रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ फ्रंट का नेक चाहिए तो आपको 2.5 इंच भी आप इधर रख सकते हो। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए इसलिए मैंने 2.25 इंच पर रख लिया है। अभी आपको जो फ्रंट का नेक है उसकी मार्किंग करके लेनी है ऐसे। तो फ्रंट का नेक तो अभी हो गया, अभी आपको मार्क करके लेना है आपका बस्ट पॉइंट। तो मेरा बस्ट पॉइंट आता है 10 इंच पर। तो यहाँ पर आता है 10 इंच। अभी शोल्डर में 1/2 इंच तो सिलाई में चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ ले रही हूँ 10.5 इंच पर। 10.5 इंच पर आपको एक लाइन मार्क करके लेनी है। उसके बाद ये जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू बस्ट पॉइंट है वो कितना आता है, 7 इंच। तो आपको 7 इंच का हाफ करना है, कितना आता है, 3.5 इंच। तो यहाँ आपको 3.5 इंच पर मार्किंग करके लेनी है, और आपको एक सीधी लाइन मार्क करके लेनी है यहाँ से नीचे ऐसे। उसके बाद आपको यहाँ से 1/4 इंच पर बढ़ा के लेना है। 1/4 इंच पर बढ़ाने के बाद ये जो लाइन है आपको ऐसे तिरछी मार्क करके लेनी है यहाँ से, ये सीधी कर लेनी है यहाँ से ऐसे यहाँ तक। अभी आपको लेना है आपका टक्स। ये टक्स कितना लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये डिपेंड करता है आपकी चेस्ट के ऊपर, इसलिए मैं जो मेरा टक्स यहाँ ले रही हूँ 3.5 इंच ले रही हूँ, उसका फिर आपको हाफ करना है, कितना आता है, 2.25 इंच। तो यहाँ मैं 2.25 इंच और कितना 2.25 इंच यहाँ मार्क करके लेती हूँ, और ये जो मेरा 1 टक्स है वो लेकर देती हूँ। ये जो टक्स होगा ये आपकी चेस्ट की जो पफिनेस है उसके हिसाब से होगा। अगर उसकी जो बस साइज है वो थोड़ी सी कम है तो आपको ये जो टक्स है वो 2-2 इंच ही 2 इंच पर ही लेना है, इधर 1 इंच और इधर 1 इंच। अगर आपकी जो बस्ट है वो थोड़ी सी हैवी है तो आप 4 इंच तक इधर दो और इधर दो, 4 इंच तक आप ये जो 1 टक्स है वो ले सकते हैं, मगर 4 इंच से आप ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। तो मेरी ये बस्ट थोड़ी सी हैवी में आती है, इसलिए मैंने 3.5 इंच पर ये मेरा जो टक्स है वो ले लिया है। टक्स की मार्किंग होने के बाद आपको यहाँ से मेजर करना है, यहाँ से और यहाँ से, तो ये बीच का छोड़ देना है। टक्स की मार्किंग होने के बाद आपको जो आपकी वेस्ट है वो देखनी है, कितने मेरी कितनी आती है, 24 इंच।
तो 24 इंच का चौथा भाग कितना होता है 6 इंच, तो इधर और इधर मिला के आपको 6 इंच मार्क करके लेना है। तो यह आप 2.5 इंच ले सकते हैं या 3 इंच आपके हिसाब से ले सकते हैं। यह मैं ले रही हूँ 2.75 इंच। अगर आपका जो ये टक्स है वो बड़ा आता है 4 इंच तक, तो तब भी आप यहाँ 3 इंच ले सकते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ 2.75 इंच। अभी आपको 2.75 इंच जो है उससे आगे आपको मेजर करना है 6 इंच। तो ये और ये मिला के हमारा टोटल जो ये मेजर होता है वो 6 इंच होता है। तो 6 इंच जहाँ आता है वहाँ से आपको ये मार्किंग करके लेनी है सीधी लाइन में। यहाँ से आपको आगे 1.5 इंच आपका जो मार्जिन है वो देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके लिए आपको ये जो बस की लाइन हमने ली थी 10.5 इंच पर, उससे 1 इंच आगे जाना है और यहाँ से आपको मार्क कर देनी है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा राउंड शेप भी दे सकते हो ऐसे। ठीक है, अभी उसके बाद आपको इस ये जो फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग करनी है। यहाँ मेरे फ्रंट पार्ट की पूरी कटिंग हो चुकी है। अभी हम ड्राफ्टिंग करने वाले हैं अपनी स्लीव्स का। तो स्लीव्स के लिए मैं ऐसे ये जो पेपर है वो फोल्ड करके ले रही हूँ, क्योंकि जो स्लीव्स होती है वो कभी भी ऐसे सिंगल पेपर पर कटिंग नहीं होती, उसके लिए डबल फोल्ड ही ज़रूरी है। सबसे पहले हमें मार्क करनी है अपनी स्लीव्स की हाइट, तो वो कितनी है 4 इंच। 4 इंच में आपको 1/2 इंच सिलाई के लिए ऐड करना है, तो हो गया कितना 4.5 इंच। अभी आप स्लीव जो है आपकी नीचे से फोल्ड होगी फिनिशिंग में, तो उसके लिए आपको 1/4 इंच यहाँ ऐड करके लेना है, वो हो गया 5.5 और 1/4 इंच। ठीक है, अभी आपको लेनी है कैप हाइट, ये जो स्लीव्स की हाइट होती है जहाँ हम स्लीव्स का वो जो शेप होता है उसके लिए। तो मैं यहाँ कैप हाइट स्लीव्स की ले रही हूँ 3 इंच तक। अगर आपकी स्लीव्स की हाइट ज़्यादा है तो आप ये 3.5 इंच भी ले सकती है। अभी 3.5 इंच पर आपको एक सीधी लाइन मार्क करके लेनी है और यहाँ जो नीचे के मार्जिन के साथ एक। उसके बाद ये जो हमारा बैक साइड का हमने आर्म होल मेजर किया था वो कितना आता है 7.25 इंच, तो उसमें से आपको सिर्फ 1 इंच माइनस करना है। 7.25 में से 1 इंच चला गया तो कितना हो गया 6.25 इंच। तो यह आपको 6.25 इंच मार्क करके लेना है और आपका जो मेरा जो स्लीव राउंड है वो कितना है 11 इंच। 11 इंच का बराबर हाफ कितना रहता है 5.5 इंच, तो मैं यहाँ मार्क करके ले रही हूँ 5.5 इंच पर। तो ये हो गया। अब आपको यहाँ आगे 1.5 इंच मार्क करके लेना है जो हमारा मार्जिन है उसका। अभी यहाँ इधर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपका ये जो आर्म होल है वो आता है 8 इंच, ठीक है, 8 इंच अगर आपका आर्म होल आता है तो आपको यहाँ लेना है 8 इंच से 1 इंच आपको कम करना है, कितना आता है 7 इंच। तो यह आपको 7 इंच पर मार्क करना है और उससे आगे 1.5 इंच आपको जो भी मार्जिन होगा वो देना है। ठीक है, अब इसके बाद देनी है आपको स्लीव्स का शेप। उसके लिए ये मार्जिन छोड़कर आपको इसका हाफ कर लेना है ऐसे और एक सीधी लाइन लगा कर लेनी है। उसके बाद ये जो सीधी लाइन है उसका भी हाफ करना है और ये जो ऊपर का हिस्सा है उसका भी आपको फिर से एक हाफ करके लेना है। ठीक है, अब आपको देना है स्लीव्स का शेप। मैं कैसे स्लीव्स का शेप देती हूँ वैसे ही आपको देना है।
तो ये हो गई आपकी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग। ये हमने 1.25 इंच ले लिया है नीचे के फोल्ड के लिए, वो भी आप हाईलाइट कर सकते हो, ऐसे आपको पता चलेगा फिर आपको कितना फोल्ड करना है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करके लेती हूँ। अगर आप हमने अभी ये जो नीचे का मार्किंग किया है उस लाइन पर अभी हमें कटिंग करना है, ठीक है। और ये जो सेंटर है आपको ये हाईलाइट करके दे लेना है यहाँ ऐसे नॉच डालकर, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा अंदर का पार्ट है वो हमारा बैठेगा फ्रंट के लिए, और ये जो है वो बैक के लिए, ठीक है। यहाँ पर अपने पूरे स्लीव की जो कटिंग हो गई है, अभी हमारे यहाँ पूरे ब्लाउज का कटिंग हो चुका है। अभी इस ब्लाउज की फैब्रिक कटिंग और स्टिचिंग हम अगले एपिसोड में देखेंगे। ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगले एपिसोड में ये जो आपके डाउट्स है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी।